Before I go across to our Kashmir Bureau Chief, Zeenat, also joining us on the broadcast, former Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir, Mr. Kavinder Gupta. Thank you for joining us, sir. Kavinder ji, bar bar Jammu and Kashmir ke netaon pe attack ho raha hai. Hamne dekha Ajay Pandita ke saath kya hua. Uske baad bhi abhi filhal hi ek din pehle ek aur sarpanch pe attack hua. Ek aur aisa incident aaya. Timing bahut mahatvapurn hai kyunki एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का पहली सालगिरह मनाई गई थी कल. आप क्या कहना चाहेंगे पूरी स्थिति पे? देखिए, सजाद अहमद खांडे की जो हत्या हुई है, सबसे पहले मैं उसकी निंदा करता हूं. और कल भी भारतीय जनता पार्टी के ही पंच को निशाना बनाया गया. इससे पहले भी वसीम बारी और उनके परिवार के लोगों को मारा गया. अजय भारती की भी हत्या हुई. तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पंचायत के चुनावों में जिन लोगों ने भाग लिया था, आज स्थानीय तौर पर मिलिटेंट्स उनको टारगेट कर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी को विशेषता टारगेट कर रहे हैं. एक सिक्योरिटी रिव्यू करने की जरूरत है और कम से कम उनका मनोबल ना टूटे, के परिवार के समाज में एक दहशत ना फैले, तो इसको सीरियसली लेना होगा. मिलिटेंट्स में बुखलाहट हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, क्योंकि पिछले छह महीने में लगभग 200 मिलिटेंट्स को हमारे सुरक्षा वालों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और मार गिराया गया है. अब उनका जहां बस नहीं चलता इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करते हैं. इसलिए ये बड़ा जरूरी है. पंच सरपंच तो अपना ध्यान रखें ही, परिवार का ध्यान रखें ही, लेकिन सरकार की जो जिम्मेवारी बनती है कि जल्द से जल्द उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, कहीं रिव्यू किया जाए, अगर कहीं कमी है तो उसको पूरा किया जाए. आठ जून से कविंद्र गुप्ता जी हम देख रहे हैं बैक टू बैक अटैक. चार जेएनके के नेताओं पे अटैक किया गया है. सर्टनली अ नीड टू रिव्यू द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एज वेल. बट थैंक यू मिस्टर कविंद्र गुप्ता जी फॉर स्पीकिंग टू अस एंड शेयरिंग दैट पर्सपेक्टिव.